आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक वोल्टेज स्टेबलाइजर को मेन लाइन से कनेक्ट किया जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है जो कि 5 kV का है। आमतौर पर मेन लाइन पर 5 kV का स्टेबलाइजर ही कनेक्ट किया जाता है। वैसे ये अलग अलग लोड के हिसाब से अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे कि 2 kV, 3 kV, 5 kV, 10 kV, लेकिन सबको फिट करने का टेक्निक एक ही रहती है, यानी कि तरीका सबका एक ही रहता है कि कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आपको इस स्टेबलाइजर को पलट कर दिखाते हैं, यानी कि वो पोर्शन दिखाते हैं जहाँ पर इसके वायर वगैरह कनेक्ट होंगे। वो आमतौर पर इसके पीछे की साइड में ही रहते हैं। ये देखिए, आमतौर पर लगभग सभी स्टेबलाइजर्स में इस प्रकार का एक कनेक्टर लगा रहता है। तो इसमें 3 वायर कनेक्ट होते हैं। ये देखिए, 3 पिन रहती है, इन, एन एंड आउट, ये लिखा रहता है इस पर। ये देखिए, इन यानी इनपुट जो पावर हाउस से फेस आएगा इसमें, एन फॉर न्यूट्रल यानी जो न्यूट्रल का वायर रहेगा वो यहाँ पर कॉमन रहता है इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी, और आउट यानी आउटपुट वोल्टेज जो स्टेबलाइजर वोल्टेज बनाकर हमारी मेन लाइन को सप्लाई करेगा वो आउटपुट वोल्टेज कहलाता है। तो आपको इसे मेन लाइन से भी कनेक्ट करके दिखाते हैं कि कैसे कनेक्ट करेंगे। ये हमारी मेन लाइन आ रही है पावर हाउस से यानी मीटर से, ये फेस और ये न्यूट्रल इनपुट, ये देखिए, और ये आउटपुट निकली हुई है, यानी जो पूरी शॉप में हमारे आउटपुट जा रही है वो यहाँ से जा रही है। देखिए, मैं ऐसे ट्रिप करूंगा तो मेन लाइन सारी ऑफ हो जाएगी। ये देखिए, मेन लाइन ऑफ हो गई। अब दोबारा से ऑन करता हूँ तो लाइट स्टार्ट हो गई। पहले हम इसे खोल लेंगे यहाँ से, ये दोनों पेच खोलकर बॉक्स को बाहर निकाल देंगे। देखिए, इसका बॉक्स खोल लिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेड वाला वायर जो है ये इनपुट फेस है, और ये ब्लैक वाला वायर जो है ये न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए मेन लाइन से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो MCB से आउटपुट बाहर जा रही है तो हम ये वायर यहाँ से खोल लेंगे। ये देखिए, ये आउटपुट, देखिए जो आउटपुट इसकी निकली हुई है ये हम यहाँ से खोल लेंगे। देखिए, पूरी लाइन हमारी डिस्कनेक्ट हो गई। न्यूट्रल इस पर लगाने देंगे या न्यूट्रल को हम नहीं काटेंगे। वैसे हमने इस पर ये 2 MCB लगा रखी है। आमतौर पर लोग न्यूट्रल पर नहीं लगाते, लेकिन हमने न्यूट्रल पर भी लगा रखी है। वैसे न्यूट्रल को कट नहीं किया जाता है, केवल फेस को काटा जाता है, यानी मेन लाइन से जो फेस आ रहा होता है वो हमें काटना पड़ता है, बाकी न्यूट्रल को हम कट नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने न्यूट्रल को कुछ भी नहीं किया है, न्यूट्रल वैसे ही जॉइंट है, केवल हमने फेस को काटा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक वायर निकाल लेंगे जो हमारी इनपुट लाइन आ रही है MCB के थ्रू। यहाँ से हम एक वायर निकाल लेंगे, ये स्टेबलाइजर के इनपुट में चला जाएगा, और न्यूट्रल पर से एक वायर ऐसे कनेक्ट करेंगे इस पर से इसे बिना काटे, यानी कि न्यूट्रल पे हम जोड़ देंगे। ये हमारा न्यूट्रल इनपुट और आउटपुट दोनों कॉमन हो जाएगा, और जो स्टेबलाइजर से आउटपुट वायर निकलेगी वो हम यहाँ पर जो हमने वायर निकाला है ये MCB में से, यानी जो फेस सीधे शब्दों में अभी समझो, जो फेस हमने काटा है, हमारे घर में जो लाइन जाएगी वो ये आउटपुट का वायर हो जाएगा। दिखाते हैं आपको। पहले हम MCB को ट्रिप करेंगे, यानी लाइन बिल्कुल काट देंगे, क्योंकि हमें करंट का काम करना है। अगर ये MCB ऑन नहीं तो हमें करंट लगने का चांस रहेगा। अब देखिए, ये हम एक वायर इनपुट फेस में से निकाल लेंगे, यानी जो इनपुट MCB थी हमारी उसमें से हम एक वायर निकाल लेंगे। देखिए, ये वायर हमने इनपुट से निकाली है, हम स्टेबलाइजर की इनपुट पर दे देंगे। ये वायर एक बार फिर से समझिए, वायर वो है जो मीटर से फेस का वायर आ रहा है हमारे। ये देखिए, अगर मीटर नहीं भी है तब भी अगर जो फेस का वायर है इनपुट बनेगा। आमतौर पर देखिए, हमें तो मालूम था कि हमारा रेड वाला वायर फेस का है। अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है तो आप टेस्टर से चेक करके पता कर सकते हैं कि फेस हमारा कौन सा, क्यों टेस्टर फेस पर बता देता है। बारी आती है न्यूट्रल का वायर लगाने की। देखिए, फेस का वायर लगाने के लिए हमने जो हमारी मेन लाइन से फेस आ रहा था आउटपुट, यानी हमारी दुकान पर या घर पर जो भी वायर जा रहा था वो हमने निकाल दिया था, और लेकिन न्यूट्रल के मामले में हम ऐसा नहीं करेंगे। न्यूट्रल हम लगाने देंगे, यानी न्यूट्रल का वायर हम डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, न्यूट्रल में अलग से ही एक वायर लगाकर उसे भी इसमें कनेक्ट कर लेंगे। देखिए, न्यूट्रल हम इसी में वायर न्यूट्रल का जॉइंट कर लेंगे। देखिए, हमने न्यूट्रल का वायर भी इसमें लगा लिया। फेस और न्यूट्रल हमारे दोनों मेन लाइन से आ गए। अब बारी आती है आउटपुट की। आउटपुट वाला वायर ये देखिए, हमारे जो मेन लाइन से आउटपुट जो हमारी शॉप पर जा रही थी, तो हम इसमें
स्टेबलाइजर की आउटपुट कनेक्ट कर देंगे। पहले ये डायरेक्ट फेस से आ रही थी, यानी जो मीटर से हमारा करंट आ रहा था वही निकल जा रहा था। अब जो मीटर करंट आ रहा है ये हमारा स्टेबलाइजर में चला जाएगा, और स्टेबलाइजर जो करंट बाहर निकलेगा वो यहाँ से पूरे शॉप में चला जाएगा, शॉप में या आपके घर पर कहीं पर भी। देखिए ये आउटपुट वाला वायर भी इसमें कनेक्ट कर दिया है। अभी तीनों वायर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, आउटपुट, फेस, इनपुट और न्यूट्रल। अब इससे स्टेबलाइजर में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये ब्लू वाला वायर हमारा आउटपुट था, तो इसे आउटपुट पर लगाते हैं। देखिए आउटपुट लिखा हुआ है, आउटपुट पर लगाते हैं इसे। ये हम बीच में लगाएंगे, ब्लैक वाला वायर जो हमारा न्यूट्रल का था। ये देखिए न्यूट्रल हमारा लग गया, ये इनपुट आउटपुट दोनों में कॉमन रहेगा। लगाते हैं फेस का वायर इनपुट पर, जो मेन लाइन से फेस आ रहा है हमारा, जिसे हम गर्म वाला तार भी कहते हैं। ये देखिए हमने इनपुट पर कनेक्ट कर दिया। अब हम इसे एमसीबी उठाकर देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है स्टेबलाइजर हमारा। ये देखिए हमने मेन लाइन की एमसीबी उठा दी है, हम स्टेबलाइजर की एमसीबी उठाते हैं। ये देखिए एमसीबी उठाने पर स्टेबलाइजर हमने वर्क करना शुरू कर दिया है। इनपुट आउटपुट वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए इनपुट वोल्ट बता रहा है 240 वोल्ट और आउटपुट वोल्ट बता रहा है ये 200 वोल्ट। ये देखिए इस तरह स्टेबलाइजर हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। एक बार फिर से आपको ऑफ ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऑफ हो गया, अब इसे ऑन करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।